एक सितंबर के दिन मेवात के तावड़ू अनाज मंडी में ड्राइवरों द्वारा बड़े ही धूमधाम से नेशनल ड्राइवर दिवस मनाया गया। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के बैनर तले आयोजित हुई ड्राइवरों की इस पंचायत में दिल्ली से तावड़ू पहुंचे वरिष्ठ समाजसेवी असलम गोरवाल सहित उज्जैन, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों के ड्राइवर पहुंचे, लेकिन यहां पर कोई लोकल राजनेता नहीं पहुंचा। सरताज खान ने कहा कि भारत के सभी ड्राइवरों ने 1 सितंबर नेशनल ड्राइवर दिवस की बात भारत सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ड्राइवरों की मुख्य मांगे हैं जिसमें हर साल 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस के रूप में मनाया जाए और 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में लागू किया जाए तथा ड्राइवर आयोग की स्थापना भी की जाए। जावेद खान ने कहा कि ड्राइवर देश की रीढ़ की हड्डी है, ड्राइवर भी देश का जवान है। जब कोरोना काल में कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था, उस समय ड्राइवर भाइयों ने ही अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर देश की सेवा की थी। आज इस बात को सरकार भूल गई है। नेशनल ड्राइवर दिवस के मौके पर तावड़ू पहुंची राजिया बानो पहलवान ने कहा कि यदि भारत सरकार ने हमारे ड्राइवर भाइयों की मांग नहीं सुनी तो हम बड़ा आंदोलन करने को तैयार हैं, क्योंकि राजिया बानो ट्रक ड्राइवर की बेटी हैं। वहीं ड्राइवर यूनियन भारत के सभी ड्राइवरों को एक मंच पर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष बने सरताज खान व उपाध्यक्ष से जिला अध्यक्ष बने जावेद खान को भी सम्मानित किया गया। तावड़ू से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अपने तमाम ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ, एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस साल 2022 में हमारे कम से कम 4-5 ड्राइवर भाइयों की मौत हो चुकी है, नाजायज़ निर्दोष। तो मैं अपने मेवात वासियों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, जब तक आप संगठित नहीं होंगे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत रजिस्ट्रेशन संगठन है, ऑल ड्राइवर की हक की लड़ाई लड़ रहा है मेरे भाइयों। तो जब तक आप संगठित नहीं होंगे, संगठन से जुड़ोगे नहीं, ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, चाहे वो फोरमैन के द्वारा आपके साथ अत्याचार हो, चाहे वो कंपनियों के द्वारा हो, चाहे रोड पर RTO के द्वारा हो, अन्य किसी भी तरह से आपका शोषण होता रहेगा जब तक आप संगठित नहीं होंगे। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, संगठन से जुड़े। मैं रजिया बानो, आज यहाँ पे ड्राइवर संघ दिवस मनाया जा रहा है, नेशनल ड्राइवर डे मनाया जा रहा है 1 सितंबर। हमने इस बात को सरकार के सामने भी रखा, पर अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। हम चाहते हैं कि सरकार घोषणा करे और ये जो 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस मनाया जाता है, इसको सरकारी कैलेंडर में जो है कि करा जाए। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी विकलांग ड्राइवर हैं उनको उनका हक दिया जाए, और जो भी जिस तरीके से फॉरमैन जो ये बदतमीजियाँ करते हैं, जिस तरीके से लोगों को मारपीट करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बाकी हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है हर तरीके से। ड्राइवर जो है कि देश की रीढ़ की हड्डी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर भाइयों की जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएँ। धन्यवाद। आज से 4 महीने पहले भी मैंने अपनी मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा था, जो भी हमारे मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी हैं, उनसे अपील करी थी कि हमारे ड्राइवरों की जो है मांगे पूरी की जाएं, पर उन्होंने आज तक हमारी ना तो सुनवाई करी है और ना हमें मिलने का समय दिया है। अगर ये शोषण इस तरीके से चलता रहा तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन होगा हिंदुस्तान के अंदर ड्राइवर भाइयों का। पहले प्रमुखता ये रहेगी सर हमारी, ये मेवात का ही नहीं, ये देखा जा रहा है आज भारत के अंदर ड्राइवर प्रताड़ित है, हर जगह प्रताड़ित है, पूरे भारत के अंदर देखा जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी मिली है हमें हरियाणा राज्य से। तो जो ये संघ आज जितना मेवात के अंदर छाया है, आने वाले टाइम में कुछ दिनों में आप देखोगे पूरे हरियाणा के अंदर हम ड्राइवरों को एकजुट करने की पूरी संभव प्रयास कोशिश करेंगे। और जो हमारी जो मांगे हैं हम सरकार को भेजता रहे, और हम हर राज्य से भेजता है, हरियाणा से, चाहे राजस्थान हो, आल भारत के अंदर जितने भी राज्य है उन सभी से हमारी यही मांगे भेजने की संभव रहती है। और हमारा जो 3 महत्वपूर्ण मांगे, 1 सितंबर डे आज हमने मनाया, बड़ी धूमधाम से सेलिब्रिटी दिन है हमारा ये, और ये हमारा अगर सरकारी कैलेंडर में लागू होता है, उनको मान सम्मान, शहीद हुए ड्राइवरों को मान सम्मान, तो ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और एक ड्राइवर आयोग होना जरूरी है, ड्राइवर कार्यालय, जैसे महिला आयोग है,
महिला आयोग है, जैसे भी कुल मिला के सभी के लिए कुछ ना कुछ सुविधा दे रखी है, बाकी ड्राइवरों के लिए कोई सहायता नहीं है। जब तक ड्राइवर आयोग नहीं होएगा, ड्राइवर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं जितने हमारे भारत के सरकारी मुआइंदे, मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ड्राइवर समाज की आवाज़ है, इसमें सभी ड्राइवरों की मान सम्मान की आवाज़ है। तो प्लीज़ हम ड्राइवर सभी भाई हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि हम भी देश की अर्थव्यवस्था है, हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जाए और हमारी एकता मजबूत बनेगी। आने वाले टाइम में भी ये देखा जाएगा ड्राइवर कुछ जागरूक हुआ है, और ज़्यादा जागरूक करेंगे हमें आने वाले टाइम।